11 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। बता दें कि मुंबई में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें फडणवीस सरकार को गिराने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाने का भी प्रस्ताव पेश हुआ। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान को अंतिम विदाई देने अनंतनाग पहुंचे हजारों लोग। बता दें कि सेना के लांस नायक गुलाम मुहिउद्दीन राठेर सहित दो जवान उस वक्त शहीद हो गए थे जब आतंकियों ने शोपियां में घात लगाकर हमला किया था। उत्तराखंड सरकार एक नए विवाद में घिर सकती है। बता दें कि एक आरटीआई से पता चला है कि हरीश रावत सरकार ने क्रिकेटर विराट कोहली को जून 2015 में 60 सेकंड के एक वीडियो के लिए 47.19 लाख रुपए दिए थे। वहीं ये पैसा 2013 में आई भयानक केदारनाथ बाढ़ के राहत फंड में से दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा, आजादी के लिए लड़ रहे कश्मीर के आतंकी। साथ ही फारूक बोले, कश्मीरियों की नई पीढ़ी बेखौफ है और वे बंदूकों से नहीं डरती। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 49 महिलाओं सहित 109 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बता दें कि सीएम केजरीवाल की अगुवाई में आयोजित पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि उसने 64 युवाओं को टिकट दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सुधीर कुमार के साथ साथ उनकी पत्नी, भाई, भांजे सहित 6 लोगों को पटना की बेउर जेल भेजा गया है। वहीं इस मामले में अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी में बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस सपा को आड़े हाथों लेते हुए चुटकी ली। शाह ने कहा, कांग्रेस सपा और बसपा ने गाय, बैल, भैंस का खून की नदियां बहाई हैं, लेकिन हम दूध और घी की नदियां बहाना चाहते हैं। यूपी का मुजफ्फरनगर बीती रात एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया। बता दें कि मामूली सी बात पर शुरू हुआ बवाल देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते बड़ा बवाल होने से बच गया और समय रहते हालात पर काबू कर लिया गया। भारत और इसराइल जल्द ही मिलकर 200 बराक मिसाइल बनाएगा। बता दें कि अत्याधुनिक मिसाइल जमीन से आसमान में 70 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती हैं। इस मिसाइल में मल्टीमिशन रडार और कंट्रोल सिस्टम लगा होगा जिससे सभी मौसमों में दिन या रात किसी भी वक्त निशानों को भेदने में बराबर सक्षम होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई आपाधापी नहीं है। उनके पुत्र तेजस्वी खुद कहते हैं कि वे काम सीख रहे हैं, समय आएगा तो समय तय कर देगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। बता दें कि इस चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दल प्रचार में अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। WBO ओरिएंटल चैंपियन और चीन के पेशेवर मुक्केबाज जुल्फिकर मेमाती याली ने इस साल 1 अप्रैल को भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और WBO एशियाई पैसिफिक मिडलवेट चैंपियन विजेंद्र सिंह के खिलाफ होने वाले मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया है। दिशा पटानी अपनी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। बता दी कि फिल्म फेयर अवार्ड में पहुंची दिशा ने जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी वे उनके चाहने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वहीं इसके लिए उनके प्रशंसकों ने काफी भद्दे कमेंट किए। शादी के 18वीं सालगिरह पर काजोल ने अजय देवगन के साथ शेयर की सेल्फी। बता दी कि काजोल और अजय की इस तस्वीर पर उनको विश करने वाले फैंस के मैसेज की बाढ़ आई हुई है। वहीं काजोल ने विश करने वाले सभी फैंस को शुक्रिया कहा। अनारकली ऑफ आरा का ट्रेलर आया सामने। वहीं इस ट्रेलर में दिखा स्वरा भास्कर, पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा की तिगड़ी का कमाल। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।